अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन साबर और आप देख रहे हैं HS व्लॉग। यार आज हम डिफरेंट जगह पे आए हैं और आपको दिखाएंगे कि देसी गुड़ कैसे बनता है और सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ अंकल भी मौजूद हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गुड़ कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ अंकल भी मौजूद हैं। अंकल, ये गुड़ तुसी किस तरह बनाते हो? गुड़ जी इहदा तां बड़ा खर्चा है जी। अच्छा, ये बड़ी मेहनत करते हैं जी, गन्ना उतों लियांदे हैं मुल, तो फिर इत्थे मेहनत करते हैं। अच्छा अच्छा, कितना टाइम तकरीबन लग जाता है इसको बनाने? ये एक पत्त तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, ये जी पत्त है अद्धे से 2 घंटे लग जाते हैं। तो दो इस एक पात्र चु कितना केजी निकल जाता है गुड़? ये जी कमान दे सिर दे जी, कोई चंगा होता है तो तकरीबन 3 किलो 4 किलो निकल जाता है। अच्छा अच्छा, तो जे अगर वैसे तो कमान अगर नवा हो उनका काट निकलता है तो एक पात्र वैसे निकलता है 10 किलो 12 किलो 15 भी निकल जाता है। सही है। ते किलो दे हिसाब दा किलो किन्ने दा बेचदे हो? मैं अगे चेक कीता, ओदे च बादाम वगैरह भी तुसी पांदे हो? वैसे 250 रुपए किलो बेचदे। 250 रुपए किलो बेचदे हो? ते आ गुड़ है, इत्थे तुसी गन्ना बाल के ओदे च रस कटदे हो? ओत्थे जी गन्ना पीड़दे हां। ओत्थे पीड़दे हो? ठीक है। ओ रो कटदे हां। अच्छा, ओत्थे रो कटदे हां, फिर ओ रो इत्थे ल्याउंदे हां। सही है। इत्थे इत्थे अग बालदे हां। ठीक, इनु पकांदे हां सही करके। ठीक, फिर एदा गुड़ बणदा। तकरीबन 2 घंटे तक? 2 घंटे लग जांदे हां। सही। ते आ चीज के है जेडी है सामने? है आहो, ओ अंदर गन्ना दी है। अच्छा अच्छा, ओथो तो एग्जॉस्ट कर दिया ना बाहर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही कोई भी टीन डब्बा उसने भी चाह के पै जानी है सारी रो, फिर चूचे ही खड़ने उसे जाके काट के गुड़ बनाने। और ये मैंने गुड़ का एक पीस लिया, बहुत जबरदस्त किस्म का गुड़ है, पंजाब का गन्ना है ना। और बीच में अच्छी चीज ये है कि बादाम, पिस्ते और इस तरह की भी चीजें पड़ी हुई हैं। बहुत जबरदस्त किस्म का गुड़ है। यहाँ आए और यहाँ से आप ले, ये देखें, ये इस तरह बनाते हैं। और अभी हमने लिया है अंकल से, और अंकल तकरीबन हमने 4-5 किलो लिया, अभी और भी लेंगे। तो काफी जबरदस्त गुड़ का गुड़ था। किलो हो जाएगा? किलो नहीं होना सारे। और यार साथ में मिलते हैं आपको ये खूबसूरत नज़ारे, और ये सिर्फ आपको गांव में मिल सकते हैं। शहर में ऐसी कोई भी आप मुतवक्को ही नहीं कर सकते कि आपको ऐसी कोई चीज़ शहर में मिलेगी। और यार शहर ऐसे होते हैं, अभी गांव और शहर में आप डिफरेंस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे होते हैं। तो अभी चलते हैं मेन चीज़ की तरफ। हम आए थे गुजरांवाला, हमने कोई शॉपिंग वगैरह की और एंडिंग की ज़बरदस्त और लजीज कबाबों के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। और यार ये साथ का व्लॉग सब्सक्राइब कर दिया करो,
और यार अल्हम्दुलिल्लाह से 1600 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप लोगों की दुआ और मेहनत की वजह से थैंक यू वेरी मच और खुदा हाफिज़।